पुनाना से कांग्रेस नेता इब्राहिम इंजीनियर का सहा चोखा गांव में हुआ जोरदार स्वागत। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर टिकट के दावेदारों ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। आज शनिवार को हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य एवं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के संयोजक इब्राहिम इंजीनियर पीसू का पुनाना विधानसभा क्षेत्र के अलवी समाज के ऐतिहासिक गांव सहा चुखा में पूरा स्वागत सम्मान समारोह किया गया। बरसात के बावजूद उनका कार्यक्रम जारी रहा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इब्राहिम इंजीनियर बीसू का कहना है कि वे पार्टी के सच्चे व कर्मठ सिपाही हैं। पिछले करीब 20 साल से पार्टी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। पार्टी ने भले ही पुनाना विधानसभा ने किसी को टिकट दिया हो, लेकिन उन्होंने उस उम्मीदवार का पूरी तरह से साथ दिया। इस बार टिकट पर उनका दावा सबसे मजबूत है। उनसे सबसे मजबूत टिकाऊ और पुराना कांग्रेस नेता पुनाना विधानसभा में कोई नहीं है। हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर बीसू ने स्थानीय नेताओं पर हमला करते हुए कहा है कि जनता की भलाई के लिए दोनों नेताओं ने कुछ नहीं किया। इब्राहिम इंजीनियर बोले कि खुद तो अपना व अपने परिवार का विकास कर गए, लेकिन इलाके में बेरोजगार युवाओं को रोजगार का कोई साधन मुहैया नहीं कराए। क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। कुल मिलाकर आज हरियाणा में पुनाना विधानसभा सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा बनाकर रख दी गई। अगर इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया और जनता का सहयोग मिला तो वे मजबूती से चुनाव जीतकर पुनाना विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास करेंगे। कांग्रेस नेता बोले कि पुनाना विधानसभा से अब तक रईसा खान और मोहम्मद इलियास दोनों ही विधायक बनते आए हैं। जनता कहीं ना कहीं उनके कामकाज से खुश नहीं है, इसलिए बदलाव चाहती है। इब्राहिम इंजीनियर ने कहा कि हाल ही में उन दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए नेताओं का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही साथ यह भी किया कि इस बार टिकट पर सबसे मजबूत दावा उन्हीं का है। कांग्रेस आला कमान भी इस बात को बखूबी जानती है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव का अगले सितंबर माह में ऐलान होने की उम्मीद है, इसलिए टिकट के दावेदार गांव गांव घर घर जाकर मतदाताओं की नब्ज टटोलने में जुट गए हैं। मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर पीसू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र बना रही है। कई घोषणाएं उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने पहले ही की हुई है। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए घोषणा पत्र बनाया जा रहा है। घोषणा पत्र में मेवात के लिए विशेष होगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। इलियास साहब का के बाद मैं तो कहता हूं कि मैं उनसे भी सीनियर हूं। 15-20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। संगठन में बहुत सारे पदों पर मैंने काम किया है। मैंने जिला उपाध्यक्ष में रहा हूं, किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष में रहा हूं, सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहा हूं, अभी मैनिफेस्टो कमेटी बनी है उसका मैं सदस्य हूं, और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का भी मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। तो उस लिहाज से अगर किसी का नंबर आएगा तो सिर्फ मेरा आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे टिकट मिलेगी इंशाल्लाह, पार्टी मुझे मौका देगी और लोगों का प्यार और जो मुझे मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीत भी यहां से दर्ज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये लड़ाई जो मैंने शुरू की है वो झूठ के खिलाफ मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो हमें जैसे जैसे कहते हैं कि कारवां चलता गया और लोग जुड़ते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे अच्छे लोग जो सब ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छाई का काम हो, हमारे क्षेत्र में कोई सच्चा नेता आए, हमारे क्षेत्र की ईमानदारी से कोई खिदमत कर सके, तो उसी नीयत से इन लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया है, मैं इनका तहे दिल से बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने मान सम्मान मुझे दिया, जो मुझे पगड़ी बांधी है, इस पगड़ी की लाज कभी नीचे नहीं होने दूंगा। हमेशा इनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा और जितनी भी मुझे ताकत मिलेगी उस ताकत का इस्तेमाल इनके हकों के लिए लड़ूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में भारी बहुमत से 60-70 सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। जहां भी हम, जिस गांव में भी हम जाते हैं, हर गांव में हर आदमी यही बात कहता है कि भाई इब्राहिम इंजीनियर सबसे पुराना कांग्रेसी पुराना के अंदर है। मैं 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ लगा हूं, वो सब ये कहते हैं कि भाई पार्टी को आपके लिए टिकट देना चाहिए और कोई आपसे सीनियर है नहीं। अभी तो बहुत सारे लोग टिकट खाली टिकट के लिए आ गए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमने पार्टी को अपने 15-20 साल दिए हैं उसका हमें पूरी उम्मीद है। आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी के जो उम्मीदें हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारी नीयत है उसकी बरकत से
हमें टिकट भी मिलेगी और हम जीत भी पुराने में भारी मतों से दर्ज करेंगे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये झूठ के खिलाफ लड़ाई है, ये जो गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई है, ये अच्छाई की लड़ाई सच्चाई से हम जीत के दिखाएंगे, हम सच्चाई से जीतेंगे। जो भी राजनेता जिन्होंने राजनीति की है अभी तक, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जो ताकत इस क्षेत्र की जनता ने उनको दी वोट के माध्यम से, उनको MLA बनाया, उनको मंत्री भी बनाया, लेकिन उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया। खुद तो बहुत ऊपर हो गए, जनता से भी ऊपर चले गए, लेकिन हमारा आज नौजवान जिस हालत में अपनी जिंदगी जी रहा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ना किसी ने रोजगार की सोची, ना किसी ने इनकी सलाह की सोची, किस तरीके से हमारे बच्चे सही लाइन पर चल सके, किसी ने नहीं सोचा। इनके लिए उस ताकत का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अगर उस ताकत का इस्तेमाल होता तो आज हम बुनियादी सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास पीने के लिए पानी है, ना हमारे खेती के लिए पानी है, ना हमारे बच्चों के लिए अच्छे पढ़ने के शिक्षा संस्थान है, ना हमारे पास कॉलेज है, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है। ऐसा इस हालत में कैसे हो सकते थे? ना हमारे पास बिजली है, और जो हमारा जो है ऑफिस अफसर शाही है वो हमारे आदमी को दोन दर्जे से देखती है, दोन दर्जे की नजर से उसको देखती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमें मौका मिला, हम अफसरों को कहना चाहते हैं कि भाई हम खिदमत की नीयत से काम करेंगे, आपको भी खिदमत की नीयत से काम करना पड़ेगा। आप सरकारी कर्मचारी हो, आप जनता के लिए हो, ना कि जनता आपके लिए है। आप जनता का इस्तेमाल करते हो, अपने लिए इस्तेमाल करते हो, तो हम उस वो नहीं होने देंगे, हम ईमानदारी से काम कराएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कैसे जो है, मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई ये सिर्फ सच्चाई की ताकत है, मेरे पास और कोई ताकत नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से, ये जो मैं जैसे ही यहाँ आया, बारिश हुई, लोग बड़े बूढ़े कहें कि जब बारिश आ जावे तो भैया समझ ले फतेह होगी, तो इंशाल्लाह हमारी टिकट भी मिलेगी और हमें जीत भी मिलेगी इंशाल्लाह। ये ऐसा मेरा मानना है। जनता